पहले फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इसका जो है पौधा था बहुत कम फ्लावरिंग करता था, लेकिन जैसे ही मैं ये फर्टिलाइजर इसमें डाली, डालते ही जैसे फूलों की बौछार होने लगी, ये आप देख लीजिए पूरा ये गुच्छों में जो है फूल देने लगा हमको। देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, और धूप की तो नाम मात्र भी इधर नहीं, एकदम नहीं आती है। देखिए और फूलों की आप बौछार देख लीजिए, पूरा गुच्छों में चारों तरफ से फूलों से लदा हुआ है। सकरी गली है, ऊंचे ऊंचे मकान है, धूप महज 10 मिनट का आता है, वो भी सिर्फ यहाँ पे आता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन इस फर्टिलाइजर के डालते ही इसमें जो है जान आ गया। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स अगर घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कोई फूल वाला पौधा आपको चाहिए तो बोगनवेलिया से बेहतरीन कोई भी फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। यह घर की सुंदरता को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन यह जो है हमेशा फूल देता है। तो आप इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए, चाहे जिस चीज़ में लगाइए, ग्रोबैक्स में, कहीं भी गमले में लगाइए, ये हर जगह जो है फूल अच्छा खासा देता है और 12 महीने ये फूल देता है। तो देखिए मैं इसको अपने गेट पे लगाई हूँ और यह गेट पर कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। 1 महीना पहले मैं एक फर्टिलाइजर इसमें दी थी, जिसका सीक्रेट मैं आप लोगों को बताऊंगी। लोग कहते हैं कि बोगनवेलिया ठंडी में फूल नहीं देता है, वह डोरमेंसी में चला जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। उसे अगर अच्छा खासा खुराक आप देंगे तो वो हमेशा फूल देता है, चाहे कोई भी पौधा हो। तो मैं इसे देखिए अच्छा खासा खुराक देती हूँ, जिस वजह से हमारे गेट पे महज 10 मिनट की धूप सुबह सुबह आती है, और चारों तरफ से मैं आपको दिखा दे रही हूँ यह फूलों से लदा हुआ है। तो महीना भर पहले मैं इसमें जो फर्टिलाइजर डाली थी वो आज फिर डालूंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी, तो वही फर्टिलाइजर का ही यह नतीजा है। और देखिए चारों तरफ से पहले आप देख लीजिए, पहले इसमें इतना अच्छा फ्लावरिंग नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैं वो फर्टिलाइजर डालना शुरू की, देखिए फूलों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। और मैं इसीलिए इसमें डाल रही हूँ कि ताकि अभी और ठंडी आएगी तो इसका फूल आना बंद ना हो। तो चलिए फिर हम वो फर्टिलाइजर बना लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो फर्टिलाइजर में कितना दम है। फ्रेंड्स ठंडी में और बहुत कम धूप में इतना अच्छा फ्लावरिंग ये कर रहा है कि मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है। तो आप लोग भी इस पौधे को जरूर लगाइए। चलिए फटाफट से फर्टिलाइजर बना लेते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो फिर लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स बोगनवेलिया को फर्टिलाइजर देने के लिए सबसे पहले हमको एक लोहे की कढ़ाई लेनी होगी। देखिए लोहे की कढ़ाई जो है हम ये पौधों के लिए ही रखे हुए हैं, और इसमें हम 2 दिन पहले ही इसमें थोड़ा सा 1 मग पानी डाल दिए हैं ताकि ये अच्छा खासा अपना आयरन जो है छोड़ दे। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए कितना अच्छा है जो है आयरन छोड़ चुका है पहले से ही। और अब हम इसमें और क्या डालेंगे फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आपको बोगनवेलिया से अधिक फूल चाहिए ना, ठंडी में भी चाहिए 12 महीने, तो आप उसको आयरन युक्त फर्टिलाइजर जरूर दीजिए, और उसका जो है कलर भी बहुत अच्छा रहता है और फूल जो है जल्दी गिरता भी नहीं है। तो ये हो गया है, ये हम 2 दिन पहले इसमें डाल करके रखे हुए 1 मग। अब हम इसके बाद जो है और क्या डालेंगे, तो ये आयरन हो गया। अब इसमें सबसे बेहतरीन पोटेशियम के लिए ये हम प्याज का छिलका लेंगे। ये देखिए ये प्याज के ऊपरी परत का छिलका है, प्याज हर किसी के घर में आता है, और हम इस चीज को डस्टबिन में डाल देते हैं, कोई इसका उपयोग नहीं होता है, बट हमारे पौधों के लिए यह समझ लीजिए रामबाण है। तो आप आज से मत फेंका करिए, आप गुड़हल है या जो भी आप बहुत सारे फ्लावर्स आपके घर में होंगे तो उसके लिए प्याज का छिलका सबसे बेहतरीन टॉनिक का काम करता है। तो ये सारे प्याज के छिलके जो है हम इसमें डाल देंगे। देखिए हम इस तरह से हमेशा इकट्ठा करके ऊपरी परत का रख लेते हैं, ये वाला चीज। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस करके रख सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, और ऐसे भी भिगा कर डाल सकते हैं। तो आप चाहे जैसे भी डालिए डाल सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें और पानी डालेंगे, 1 मग हम इसमें और पानी डालेंगे। उससे क्या होगा कि अब ये जो है अब हम इसको रखेंगे कितने दिनों के लिए, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहले हम इसको इस तरह से भिगा लेंगे अच्छे से,
फ्रेंड्स, अगर आप हमारे बताए अनुसार फर्टिलाइजर डालेंगे ना अपने पौधों में, तो आप हमारे गार्डन के हर फूल को, आप एक बार हमारे चैनल के सारे फूलों को चेक कर लीजिए, फलों को चेक कर लीजिए, आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा ना कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो देखिए ये डाल लिए, अब हम इसके बाद क्या डालेंगे, ये जो है ये आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, और अब हम इसमें कैल्शियम के लिए ये चाक डालेंगे जो बच्चे पढ़ते हैं। ये चाक एक विशेष प्रकार का पत्थर का बनाया जाता है, चूना से भी अधिक इसमें कैल्शियम होता है। तो बोगनवेलिया एक हार्डी प्लांट होता है, उसको थोड़ा तगड़ा कैल्शियम चाहिए, बट मैं जो है रसायन यूज नहीं करती, तो ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी हम जो है इसमें इस तरह से भिगा दे रहे हैं। ये 5-6 चाक हम ले लिए हैं, जैसा आपका पौधा होगा गमले में उस हिसाब से लीजिए। हमारा पौधा 1 साल का है और थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो हम 5-6 चाक इसमें डालेंगे, ये आराम से जो है फूल जाएगा इसमें। उसके बाद ये सबसे बड़ा सीक्रेट ये क्या है, ये देख करके आप पहचान गए होंगे, ये नॉर्मल चाय की पत्ती नहीं है फ्रेंड्स, यह है ग्रीन टी, जो सुबह सुबह बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं, और यह हमारे बोगनवेलिया के लिए अमृत का काम करता है। तो इसे भी हम ये करीब ये 2 चम्मच है हमारा, हमारा पौधा बड़ा है तो फ्लावरिंग भी अच्छा खासा कर रहा है, तो 2 महीना पहले मैं दी थी, अब तो उसका रिजल्ट आपके सामने है, तो अब जो है मैं फिर इसको डालूंगी। तो ये 2 चम्मच ग्रीन टी हम इसमें डाल देंगे, इस सारी चीज़ों को जो है हम भिगा करके रख देंगे। कितने दिनों के लिए, कम से कम 3 दिनों के लिए, 3 दिन हम इसमें जो है इसको अपना पोषक तत्व पूरा छोड़ने देंगे। 3 दिन के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं, और उसमें कुछ चीज़ और हम एक आध चीज़ थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, ताकि उसका फ्लावरिंग जो है हमेशा चलता रहे, फ्लावरिंग बंद ना हो। तो फिर 3 दिन के बाद फिर मिलते हैं, डालते हुए दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 दिन हो चुका है और हमारा फर्टिलाइजर जो है अच्छा खासा इसमें अपना सारा पोषक तत्व छोड़ दिया है, आपको कलर देख करके ही पता लग जा रहा होगा। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा इस मसल्स की सहायता से हल्का सा इसमें और मसल दे रहे हैं, ताकि और भी जो भी इसको अपना पोषक तत्व छोड़ना होगा छोड़ देगा। फ्रेंड्स, यह सबसे बड़ा सीक्रेट है बोगनवेलिया से अधिक फूल लेने का। अब हम इसको सारे को, इस चीज़ को हम निकाल देंगे, ये हम उसमें नहीं डालेंगे, इसका हम किचन वेस्ट से जो है खाद बनाते हैं उस खाद में डाल देंगे। तो ये भी अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह से हम इसको सारा ये निकाल दे रहे हैं, इसमें ये छिलकों को हम निकाल दे रहे हैं, ये हम नहीं डालेंगे उसमें। तो हम इस तरह से सारे छिलके निकाल ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सारे छिलके जो है निकाल लिए प्याज वाला इसमें, लेकिन ये जो है देखिए कितना कड़ा पत्थर का ये बनता है चाक, कि देखिए 3 दिन में भी नहीं ये घुला है। तो हम इसको इस मसल्स से खूब अच्छे से मसल देंगे, नहीं मसला रहा तो हम थोड़ा सा हाथ लगा देंगे, हाथ की सहायता से हम इसको जो है इस तरह से मसल देंगे। हमको कूट कर डालना चाहिए था, बट हम सोचे कि गल जाएगा, उस बार गल गया था, नहीं गलाए। तो देखिए इस तरह से कर दें, उस पानी की सहायता से सब उसमें गलता चला जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। नहीं भी अगर आप मसल रहे हैं ऐसे भी डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करने के बाद अब देखिए हमारा बस ये हल्का फुल्का जो चाय की पत्ती है, ये भी हम इसी में अपना छोड़े रखेंगे, ये सब उसी में सड़ेगा और तो और खाद होगा। थोड़ा ये प्याज वाला निकाल दिए, बाकी सब इसी में है। तो अब चलिए हम पौधे की तरफ चलते हैं, और देखिए हम इसमें क्या क्या डालेंगे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हमारा पौधा है, इसमें हम 3 पौधा लगाए हैं। अब आप देखिए ये सीक्रेट, 3 के बावजूद भी कितना अधिक ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये देखिए ये बोगनवेलिया की जो है डाली है, ये डाली, ये बोगनवेलिया की ये डाली है, और एक ये और बोगनवेलिया लगाए हैं हम पत्ता वाला, और उसका है, इसका पत्ता बहुत खूबसूरत लगता है, और एक ये पांचो पंडवा है, देखिए ये यहाँ चढ़ के जा रहा है। तो हम 3 एक ही थाले में हम 3 पौधे लगाए हैं, और ये अब तो थोड़ा सा हम इसको जो है ढीला कर ले रहे हैं मिट्टी को। फ्रेंड्स, एक और सीक्रेट इसमें यह है कि इसमें बहुत अधिक पानी की आपको नहीं देना है। देखिए इसकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी रहनी चाहिए, जब बहुत मिट्टी सूख जाए, कम से कम 4-5 दिन में इसको पानी चाहता है, इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहता है। तो ये भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा। तो चलिए अब देखिए हम इसको जो है ढीला कर लिए, इसके पत्तों को हम नहीं हटाएंगे, ये जैसे जैसे सड़ेगा तो और अधिक जो है इसके लिए रामबाड़ हो जाएगा। तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा जगह बना दिए, अब हम इसमें और क्या क्या डालेंगे ये हम दिखा रहे हैं आपको।
तो देखिए यह एक चम्मच जो है हम एप्सम साल्ट लिए हैं और ये जो है नीम की खली है, करीब ये दो डेढ़ मुट्ठी नीम की खली है दो मुट्ठी। तो इसको हम डालेंगे इसलिए कि ये जो है गर्माहट और अच्छा देगा, जो जो ठंडी बढ़ती जाएगी तो एंटी फंगल का भी काम करेगा और पौधे में गर्माहट अच्छा खासा देता है और इसे जो है पत्ते बिल्कुल हरे भरे रहेंगे, पत्ता भी एक भी आपका सूख करके नहीं गिरेगा। और ये देखिए सड़ी हुई जो है गोबर की खाद है साल भर पुरानी, ये हम चार पांच मुट्ठी के करीब आधा केजी हम ले लिए, तो आप अपने पौधे के हिसाब से लीजिएगा। तो इन चीजों को भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो देखिए इसको हम जो है जड़ के पास इस तरह से एप्सम साल्ट को हम चारों तरफ कर दे रहे हैं और इसको जो है जड़ के पास कर दे रहे हैं, बाकी हम इसको इस तरह से इसको कर देना। ये खाद अब आप ऐसे लीजिए गोबर वाले कि इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब ये जो है कोई दिक्कत नहीं करेगा। देखिए बहुत ही अच्छी खासी है, सड़ चुकी है। अगर आपके पास गोबर की खाद ना हो तो आप बर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम इसको जो है इसी में डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको जो है डाल दे रहे हैं। अब हम इतना एक ही में डालेंगे क्योंकि इसमें तीन पौधे हैं तो तीनों को पोषक तत्व तो मिलना चाहिए। अगर आपके पास एक पौधा है तो आप उसी हिसाब से कम ज़्यादा बना लीजिएगा। मान लीजिए अगर एक पौधा है तो इसका आधा आप डालिएगा। तो इस तरह से देखिए कितना एक काला कितना आयरन युक्त हो गया है आप देख लीजिए। और ये हमारी बोगन बिलिया के लिए राम बाण होगा। तो इस तरह से इसको हम इस तरह से गिरा दे रहे हैं इसमें इसका ये ध्यान नहीं देना है कि इसको कहाँ डालना है। और इसके बाद हम इसमें भरपूर पानी देंगे फ्रेंड्स। चार छह दिन के बाद बोगन बिलिया में पानी दिया करें, बहुत ज्यादा पानी न दिया करें, लेकिन जब भी पानी दें तो उसको जो है भरपूर पानी दें क्योंकि उसके पूरे रूट में चला जाए। तो इस तरह से अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब पानी देने के बाद अब हम इसको एक महीने तक कुछ नहीं देंगे, बस बीच बीच में जब पानी सूखता रहेगा इसका सूख जाएगा तब हम इसको पानी दे दिया करेंगे और हम इसको कुछ नहीं देंगे। एक डेढ़ महीने के बाद फिर हम इसमें जब खूब और ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो फिर हम जो है इसमें कुछ और डालेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपने बोगनवेलिया का आप भी इसी तरह से ख्याल रखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा फूल देगा। धूप और पानी का ध्यान रखिए, धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट इसको पानी बहुत ज़्यादा मत दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।